हेलो बड़ी, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में। हो सकता है आप लोग वीडियो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं पर भी देख रहे होंगे। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेंगे वीडियोस क्वांट के, DILR, वर्बल वोकैबुलरी डेवलपमेंट, वर्बल रीजनिंग, इसके अलावा इंटरव्यू के पजल्स और इस तरह से बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। कंटेंट डेवलपमेंट सेशन में बहुत सारे ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कैट, जैट, IFT, मैट, CMAT, NMAT इस तरह से अलग अलग MBA एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, जॉब रिलेटेड एग्जाम जैसे कि बैंक, SSC, रेलवे, कैंपस का एग्जाम, SSC का एग्जाम या फिर इवन GRE और GMAT का भी एग्जाम देने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सेशन आप देख सकते हैं। आज का जो मैंने एजेंडा लिया हुआ है नंबर्स, और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये क्वेश्चन स्पेशली इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट है बैंक के एग्जाम्स, SSC के एग्जाम्स, वो बच्चे जो GRE देने का सोच रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम्स लाइक NMAT, SNAP, CMAT इस तरह के जो एग्जाम्स हैं, इस तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फाइन, ध्यान रखिएगा। यहां पे बोला गया हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस 24000 आर ऑड फैक्टर्स, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 24000 को जो ऑड है। चलिए ठीक है, जो लिखा है सो है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले शब्दशः समझिए चीज़ों का मतलब। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 12, जब मैं 12 को तोड़ता हूँ तो 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4 इस तरह से मैं तोड़ता हूँ, करेक्ट है। अगर हमसे पूछा जाए 12 के फैक्टर्स कितने हैं, तो इस सवाल का मतलब है हमसे पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो अगर मैं काउंट करूँ तो जो मैंने रेड सर्कल किया है कितने, आपको बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 के फैक्टर्स हो गए 6। अग्री करते हैं आप? लेकिन हर बार इस तरह से गिनना लिखना ऐसा संभव नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, कोई भी नेचुरल नंबर लिया जाता है और उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया जाता है। तो किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। दैट इज, थोड़ा अगर जनरलाइज करें तो a^p, b^q, c^r। कैपिटल N अगर मैं लेता हूं कि कोई भी नेचुरल नंबर है, इफ कैपिटल N इज एनी नेचुरल नंबर, यहां पे a, b, c अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर a, b एंड c ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ये लोग हैं प्राइम फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरह से निकाला जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स को यूजुअली दिखाया जाता है स्मॉल n से। यहां पे जो हम लोगों ने निकाला ना 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे देखिएगा ना, पावर प्लस 1, p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू क्या, r प्लस 1। तो इस तरह से आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक बात, अभी एक बार 12 में एग्जीक्यूट करके देखें सेम चीज को। हम लोगों ने बोला 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पे कितने आ जाएंगे, 2 प्लस 1 के अलावा 1 प्लस 1, दैट इज 3 इंटू 2, वॉट इज द आंसर, 6। ये जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था एग्जैक्टली सेम आंसर है, क्लियर है आपको। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आप समझ गए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, चाहे आप उसको नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलिए या बोलिए आप नंबर ऑफ डिवाइजर्स, दोनों सेम है। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स। अभी लेटली कुछ एग्जाम्स में डिवाइजर लिखा हुआ था, तो कोई अलग नहीं होता है, ठीक है भाई। चलिए, हमसे बोला गया हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24000 आर ऑड फैक्टर्स। ये छोड़ो ये क्वेश्चन, आप मैं आपको दूसरी किस बताता हूँ इस क्वेश्चन को, तो इससे हम लोग आगे तक लेके चलते हैं। इसी 12 के लिए जिसके लिए हम लोगों ने 2 स्क्वायर इंटू 3 किया है, इसके लिए ही अगर हमसे पूछा जाए ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 12 के, जो अगर हमसे बोला जाए ऐसे कितने फैक्टर्स 12 के जो 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है या फिर 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल है, जैसे ही पूछ लिया जाए, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपको ये दिखा के पूछूंगा 2 से डिविजिबल कितने, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12, चार केसेस आएंगे, करेक्ट है। देखिए, जो भी आपसे पूछा गया है थोड़ी देर के लिए उस क्वेश्चन को भूल जाएगा, 12 के ऐसे कितने फैक्टर्स जो 2 से डिविजिबल है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। जो भी आपसे पूछा गया, ऐसे पूछा गया 2 से डिविजिबल कितने, ये जो लिखा है आपने उसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है भाई। आपने 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, अब बचा यहां से 2^1 इंटू 3^1, ठीक है। अब जरा नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में निकाल के बताइए, तो 1 प्लस 1 दिस इज 2, 1 प्लस 1 दिस इज 2,
आंसर कितना आ गया 4। और अगर हम लोगों ने वास्तविकता में इसको देखा होगा थोड़ी देर पहले, तो 12 को अगर आपने चेक किया होगा तो देखिए जरा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स या ऐसे फैक्टर्स 2 से डिविजिबल थे, 1, 2, 3, 4, ये हमने भी यही बोला। ऐसे कितने फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल है, 3 को पकड़िए और पुल कर लीजिए, क्या बचता है 2 स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, 2 + 1 कितना है भाई, 2 + 1 = 3। देखिए 1, 3, 6 और 12 बिल्कुल सही आंसर है। 4 से डिविजिबल, 4 को पुल कर लीजिए, क्या बच गया 3 to the power of 1। सुनते रहिएगा ना ध्यान से, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 + 1 तो आ गया 0, 2। 4 से डिविजिबल कौन कौन, 1, 4 और 1, 12, ये भी सही है। 6 से डिविजिबल, 6 वहां से निकाल दीजिए, क्या बच गया 2 to the power of 1, 1 + 1 = 2। 6 से डिविजिबल फैक्टर खुद 6 हो गया, 12 हो गया। अब आप मेरी बात सुने सर, ये जो आप पुल करना बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, देखना। ऐसे फैक्टर्स 12 के जो 3 से डिविजिबल हैं, तो कोई नंबर 3 से अगर डिविजिबल होगा उसमें कम से कम एक 3 तो आएगा ना। तो मैंने जब आपको इस केस में बोला कि 3 को पुल कर लो, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि 3 तो रहना ही चाहिए। जब आपने 3 को पुल किया तो क्या बचा, 2 स्क्वायर। इसका मतलब मैक्सिमम यू कैन टेक 2 स्क्वायर, नहीं चाहो तो एक भी मत लो। करेक्ट पॉइंट है ना, दिस इज 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और ये कितना हो गया भाई 12। आप यहां पर भी क्रॉस चेक करके देखिए, 3, 6, 12। सर ये एक बार और बता दीजिए, मैं दो बार बता देता हूं। 4 से डिविजिबल, हमने यहां से 4 को पुल किया, तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी नंबर आप लेना चाहते हो उसमें कम से कम एक तो 4 हो। तो हम, मैंने आपको बोला यहां से 4 को पुल कर लो, देखो आप 4 को निकालने के बाद क्या बचा, 3 to the power of 1। मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो 3 to the power of 1, ना चाहो तो मत यूज करो, मतलब 3 to the power of 0। व्हाट इज द आउटकम, या तो 4 या तो 12। क्रॉस चेक करके देखो, या तो 4 या तो 12, समझ पा रहे अभी। सर एक और 6 को भी देख लो, 2 और 6 दोनों निकाल लीजिए, क्या बचा भाई 2 और 3, मतलब क्या बचा हमारे पास, 2, 3 बाहर निकाल लिए, तो हमारे पास ये निकालने के बाद बचा 1, 2। तो एट मैक्स अगर आप चाहो तो 1, 2 को ले लो, या ना चाहो तो ना लो। नंबर कितना हो गया 6, और ये नंबर कितना हो गया 12। मेरे ख्याल आपको क्लियर होगा। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर अभी भी कोई डाउट होगी, कोई शंका होगी, तो एक और एग्जाम्पल देखिए। चलिए अगर मान लीजिए नंबर होता 24, जो कि होता 2³ × 3, और अगर इस केस में आपको बोलता ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो क्या हो, जो 2 से डिविजिबल, जो 3 से डिविजिबल हो, जो 4 से डिविजिबल हो, जो 8 से डिविजिबल हो। अगर मैं आपको ये बोलता तो 2 को हमने पुल किया यहाँ पे, क्या बचा, ये बच गया 2² × 3 to the power of 1। करेक्ट, अभी यहाँ पे हम लोगों ने 3 को पुल कर लिया, क्या बच गया 2³। यहाँ पे 4 पुल कर लिया, क्या बच गया 2 to the power of 1, 3 to the power of 1। 8 मतलब 2³ बाहर निकाल दिया, क्या बच गया 3 to the power। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले हर एक केस में, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2। ऐसे कितने फैक्टर्स हुए, या ऐसे कितने नंबर्स हुए, 6 फैक्टर्स। 24 के ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखो 3 + 1, दिस इज 4। 24 के ऐसे 4 फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल है। इस वाले केस में 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4। ऐसे 4 फैक्टर्स हैं 24 के जो 4 से डिविजिबल है, दिस इज 1 + 1 = 2। ऐसे 2 फैक्टर्स हैं 24 के जो 8 से डिविजिबल है। मेरे ख्याल आपको बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। करेक्ट पॉइंट है, करेक्ट है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में जो मैंने हमें आपको, हम लोगों ने अभी लिया हुआ है। हमें क्या बोला गया, अब वो देखो, हमें ये बोला गया हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2, 4, 000 आर ऑड फैक्टर्स। अग्री करते हैं, सबसे पहली चीज जो चीज हम अब तक समझे वो ये है, कभी भी इसका लाइन ऑफ थॉट जो है वो ये है, कभी भी इस तरह के नंबर सारे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, कैसे, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, मेरे को समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। 24 is 24 followed by 3 zeros। 24 मतलब 2³ × 3, दिस 2³ × 5³ मतलब 2 to the power of 6 × 3 × 5³। करेक्ट है, ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। ऑड फैक्टर्स, अरे हटाओ इस पार्ट को, ऑड करने के लिए क्या होना चाहिए, एक भी इवन मल्टीपल नहीं आना चाहिए, एक भी इवन नंबर नहीं आना चाहिए। तो अदर देन टू टू द पावर ऑफ सिक्स को पूरा हटा दी, क्या बचा 3 × 5³। करेक्ट, अभी तो ये हो गया 3 × 5³। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लें,
तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 प्लस 1 दिस इज 2, 3 प्लस 1 दिस इज 4 एंड 4 इंटू 2, ऐसे 8 फैक्टर्स हैं इसके। अग्री करते हैं नहीं करते हैं? सर ये ऑड वाला आप क्या बोले मैं ये नहीं समझा। 2400 हमेशा लाइन ऑफ थॉट ये रखो, कभी भी ऐसा कुछ आए फैक्टराइज करो। फैक्टराइज के हम लोगों ने तोड़ दिया। ऑड फैक्टर्स हमसे पूछा गया, इसके कितने ऑड फैक्टर्स होंगे? तो हमेशा जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हो ना, एग्जैक्टली यही करना, बट डू इट ओनली फॉर ऑड प्राइम नंबर्स। तो इवन को हटा दिए, ऑड के साथ कर दिए। इससे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था इस क्वेश्चन को, हालांकि इन लोगों ने एकदम सिंपल पूछ लिया क्वेश्चन। अदरवाइज हम पूछते तो और क्या क्या पूछ सकते थे, हम ये सब भी पूछ सकते थे। एक काम करते हैं ना, इसको इस तरह से करते हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, क्या था हमारे पास नंबर 2, 4, 1, 2, 3, हम लोगों ने लिखा 2 to the power of 6 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब। इन लोगों ने बोला कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो ऑड है, ठीक है पहले इनका ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अलावा ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 to the power of 5 32 से डिविजिबल हो, डिविजिबल किससे हो, 32 से, अच्छा बड़ा नंबर हो गया। नेक्स्ट 25 और बड़ा ले लो, 125 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट और क्या कर लें, 125 इंटू 3 375 से डिविजिबल हो। देखो और बड़ा कर दिया हमने क्वेश्चन। ऑड कभी भी ऑड फैक्टर निकालना तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एग्जैक्टली सेम चीज करो जो आपको एन निकालने के लिए किया कहा गया है, बट डू इट ओनली फॉर ऑड प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 3 to the power of 1 एंड 5 क्यूब, 3 to the power of 1 इंटू 5 क्यूब, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे भाई, 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4, 4 × 2 = 8, 32 से डिविजिबल, 2 to the power of 5 यहाँ से हट गया, क्या बच गया, 2 to the power of 1, 3 to the power of 1 एंड 5 क्यूब। अग्री करते हैं, सो दिस इज 2 × 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 ऐसे फैक्टर्स 32 से डिविजिबल है। 125 से डिविजिबल, 5 क्यूब हटा दो, क्या बच गया भाई, 2 to the power of 6 इंटू 3 to the power of 1, 6 + 1 = 7, 1 + 1 = 2, 7 × 2 = 14 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 125 से डिविजिबल है। 375 से डिविजिबल, 125 × 3, अभी लोग के सामने किया था भाई, 2 to the power of 6, 6 + 1 = 7, ऐसे 7 फैक्टर्स है जो 375 से डिविजिबल है। तो ये तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर आएगा 8, 32 तो आंसर होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 10 करेक्ट है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। आपको अगर समझ में आ चुका है तो फिर आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, इससे क्या आपको बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक अच्छा असाइनमेंट देता हूँ जिसमें हमें सारे क्वेश्चन आप लोग कवर करेंगे। देखिएगा, आप एक काम कीजिएगा, आप एक नंबर लीजिएगा 6060 और आप जो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे वो ये चीज़ें बताइएगा, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 60 के, 60 आप समझ रहे हैं, 60 को फैक्टराइज कर लीजिएगा। 60 मेरे ख्याल आप लोग तोड़ तो लेंगे इसे, 2 × 3 = 2 × 5, मतलब 2² × 3 × 5। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 60 के जो क्या है, पहली चीज जो ऑड हो, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हो बोल दो या फिर इवन बोल दो, एक ही चीज है। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 60 के जो पहली चीज 4 से डिविजिबल हो, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 60 के जो 5 से डिविजिबल हो, और दे देता हूँ, अच्छा आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 60 के जो 10 से डिविजिबल हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 60 के जो 15 से डिविजिबल हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 60 के जो 20 से डिविजिबल हैं, एंड द लास्ट वन इज 8, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, ऐसे कितने फैक्टर्स जो 30 से डिविजिबल। तो प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी क्वेश्चन मैंने दे दिया, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपने पिछला वीडियो भी अगर देखा होगा तो मैंने फैक्टराइजेशन पे लास्ट वीडियो भी लिया था और ये वाला भी, तो बैक टू बैक दो वीडियोस लिए, उसका एजेंडा मेरा अलग था, इसका एजेंडा अलग है। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मज़ा आया कि नहीं आया और इनका आंसर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन, ये जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये January 2019 है। आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो कैट 2019 या 20 की तैयारी कर रहे होंगे और जो इंटरेस्टेड भी होंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, तो हमारे जो क्लासरूम प्रोग्राम एमबी ट्रेनर का जो कैट IIM का, इसके अलावा जो बैंक SSC रेलवेज इनके बैच है वो क्लासरूम बैच, इसके अलावा लाइव ऑनलाइन क्लासेस, लास्ट ईयर और उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैंगलोर, पुणे, मुंबई, कोलकाता या तेलंगाना से ज्वाइन लॉगिन किए, मतलब ज्वाइन करते थे। तो उसके लिए आप, आपके पास या तो डेस्कटॉप हो या तो लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी क्लासेस अभी 27 जनवरी को स्टार्ट होंगे और 10 फरवरी 2019 को स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले किया होगा, आप वहाँ पे चाहे तो कॉल करके बात कर सकते हैं और डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें मैं क्वांट DILR वर्बल
और एक और टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ, कंटेंट डेवलपमेंट सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत बूस्ट मिलता है और आप एक्चुअली वेल इक्विप्ड रहते हो क्या हो रहा है दुनिया में। जैसे लास्ट ईयर मैंने इंडिया ईरान रिलेशन, इंडिया इसराइल का रिलेशन, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया बहुत पहले से डिस्कस किया था कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया बना कैसे, सेकंड वर्ल्ड वॉर उसके पहले की चीज़ें डिस्कस किया था हम लोगों ने, आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसी, अभी ट्रंप साहब जो अपनी फौज बाहर निकाल रहे उसके बारे में, टर्की करेंसी जो लीरा जो इतनी बुरी तरह से टूटी थी, खशोगी का हत्याकांड, आसिया बीबी का केस, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इट गिव्स अ गुड पैनोरमिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छा होता है। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन तो सेशन, और इसके अलावा आगे की चीज़ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।